नमस्कार, आई होप आप सब ठीक होंगे। बिकॉज ये पेंडेमिक का टाइम है, कोरोना फैला हुआ है, COVID-19 हर जगह पे है और बहुत ही बुरी बुरी खबरें आ रही हैं हर तरफ से। इन दिस टफ सिचुएशन एक बहुत ही कॉमन चीज मार्केट में घूम रही है और हर कोई इसके पीछे भाग रहा है खरीदने के लिए, दैट इज ऑक्सीमीटर। तो बेसिकली ऑक्सीमीटर किसी को मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपको मिल रहा है और अगर आप जानना चाहते हो कि एक्चुअल में ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, तो ये वीडियो बिल्कुल उसके लिए है। तो मेरे पास ऑक्सीमीटर मेरे हाथ में है। क्या ऑक्सीमीटर से ये पता लगता है कि आपको कोविड है, कोरोना है? वेल नहीं। कोई भी ये कह रहा है कि ऑक्सीमीटर आपको बता देगा कि आपको कोरोना है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत बातें हैं। ऑक्सीमीटर आपको ये बताएगा कि आपके अंदर, आपके लंग्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस है, ऑक्सीजन का लेवल सही नहीं है, ये चीज़ें बताएगा। और हाँ, ऑक्सीजन लेवल सही नहीं होने का मतलब बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, आउट ऑफ विच एक कोविड भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो सिचुएशन है पेंडेमिक, यहाँ पे ऑक्सीमीटर बहुत ही ज़रूरी है और आपके पास होना चाहिए। बिकॉज इस पेंडेमिक में, इस कोविड के केसेस में क्या होता है, आपके ऑक्सीजन लेवल को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है और ऑक्सीजन की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रबल आता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते रहेंगे कि आपका लेवल क्या है, तो आप अपने हेल्थ को यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे, अपने आप को ट्रैक कर पाएंगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ट्रीटमेंट दे पाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीमीटर को, ऐसे पीछे से प्रेस करके ओपन करना होता है, यहाँ पे आप फिंगर को इंसर्ट करते हो और ये आपको ऐसे रीडिंग बताता है कि इसकी रीडिंग क्या है। यहाँ पे स्विच को ऑन करोगे एंड रीडिंग आ जाती है। वेल, तो ऑक्सीमीटर के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक नीचे LED होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, और ऊपर जो होता है रिसेप्टर्स होते हैं जो उस लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जब आप ऑक्सीमीटर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हो, लेट्स से फिंगर, तो नीचे वाले जो LED होते हैं वो वहाँ से लाइट को छोड़ते हैं और यहाँ पे आपके फिंगर से क्रॉस होते हुए लाइट ऊपर वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके टच करते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले लाइट डिटेक्टर्स होते हैं, बेसिकली वो ये फाइंड करते हैं उस रेज के अंदर कि वो रेज कितनी फिल्टर होके आ रही है और कितनी पॉल्यूटेड होके आ रही है, और उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन देते हैं। जो आपका फिंगर होता है उसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, राइट, और उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो होता है उसी को आप मेजर करना चाहते हो, बिकॉज वही बताता है कि आपके ब्लड के अंदर अभी ऑक्सीजन की लेवल क्या है। तो सिंपल सी चीज है, जब आप फिंगर यहाँ पे ऑक्सीमीटर के अंदर इंसर्ट करते हो, तो बेसिकली वो लाइट जो यहाँ पे पहले आती है, जो LED से निकलती है, वो यहाँ आती है और यहाँ के अंदर दो चीजों को वो फाइंड आउट करती है। पहले वो जिनके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, कुछ वो होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, जिस सेल के अंदर, वो चमकने में ज्यादा ब्राइट होते हैं, शाइनी होते हैं, और इससे पता लग जाता है उस लाइट को कि भाई इस सेल के अंदर ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी है। और कुछ ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है या नहीं होती है, और उनका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके दो कलर होते हैं, एक शाइनी रेड होता है, एक डार्क रेड होता है। और यहाँ से जब लाइट आती है और लाइट जब यहाँ से निकलती है, तो बेसिकली वो ये कैलकुलेट करती है कि लाइट कितनी ईजिली पास हुई और यहाँ पे लाइट ने जो टच किया, कितने सेल्स को टच किया, और उसमें से कितने वहाँ पे शाइनी रेड थे और कितने वहाँ पे डार्क रेड थे, और इसके हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। तो लेट्स से अगर आपने ऑक्सीमीटर में अपना फिंगर लगाया और आपकी वैल्यू जो आ रही है 96% आ रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 96% जो सेल्स हैं उस मोमेंट पे उसके अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन 4% सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन उस मोमेंट पे नहीं है या फिर उनके अंदर कम ऑक्सीजन है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन होती है और इस तरीके से ऑक्सीमीटर आपको बताता है कि भाई उस मोमेंट पे आपकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी परसेंट है। वेल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑक्सीमीटर का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी चेंज हो सकती है। तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आपके फिंगर के ऊपर जो नेल्स होता है वहाँ पे नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब लाइट नीचे से पास होती है और ऊपर आती है तो नेल पॉलिश की वजह से वो ऊपर डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाती और यहाँ पे जो रीडिंग है वो पूरी नहीं मिलती है। सेकंड थिंग, जब भी आप चेक कर रहे हो ऑक्सीजन, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका हाथ जो है बिल्कुल ठंडा नहीं है। थर्ड थिंग, आपको ध्यान रखना है कि आपके जो नाखून है वो बिल्कुल लंबे नहीं हो, बिकॉज अगर नाखून लंबे होंगे तो ऑक्सीमीटर तक पूरे रीच नहीं हो पाएंगे। मतलब यहाँ पे जो लाइट है वो मे भी आपके नेल्स पे आ रही है सीधे और आपके सेल्स पे नहीं जा रही है, तो इसकी वजह से रीडिंग आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एंड द लास्ट थिंग, फोर्थ थिंग, जब भी आप ऑक्सीमीटर के अंदर रीडिंग ले रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ना रुका हो। मतलब कि लेट्स से आपने हाथ यहाँ पे बांधा हुआ है, हाथ मुड़ा हुआ है, किसी चीज़ से दबा हुआ है, उस केस में अगर आप फिंगर को डाल के ऑक्सीमीटर के अंदर टेस्ट करो, तो यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कम होने की वजह से आपकी जो रीडिंग्स है वो भी इम्पैक्ट कर सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है और चैनल भी आपके लिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।